खजूर रविवार को पाम संडे के नाम से भी जाना जाता है। इस रविवार के साथ ही ख्रिस्त समुदाय के लोग जो हैं पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर जाते हैं। ये रविवार ठीक ईस्टर से पहले का रविवार होता है। इस दिन को इस रूप में भी याद किया जाता है कि प्रभु यीशु के यरूशलेम में एक राजा की तरह प्रवेश करने के रूप में भी देखा जाता है। पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु के यरूशलेम पहुंचने के दौरान वहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, कपड़े बिछाकर और खजूर की डालियों से उनका इस्तकबाल किया। पाम संडे के मौके पर रांची के नए आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने मसीही समुदाय के लोगों के सामने अपना संदेश दिया। शुरू में जो सुसमाचार जुलूस के पहले हमने सुना उसमें यीशु और उनके शिष्य जब यरूशलेम के निकट पहुंच रहे थे तब यीशु ने पहले से जो तैयारी की थी एक बछड़े की, इसके बारे में अपने चेलों को बताया और चेलों से कहा कि ये बछड़ा कहाँ मिलेगा और उस घर को कैसे पहचानेंगे, बछड़े के मालिक को कैसे पहचानेंगे। सब कुछ पहले से व्यवस्था थी, यीशु ने की थी और चेले वहाँ गए और जैसे पहले से व्यवस्था थी उसी प्रकार सब कुछ पाया, बछड़े को लाया और चेलों ने बछड़े की पीठ पर कपड़े डाल दिए, यीशु बैठ गए और तब उनकी यह यात्रा यरूशलेम की ओर शुरू हुई। यरूशलेम में यह एक बहुत ही शानदार प्रवेश था यीशु का, लेकिन यरूशलेम यीशु का गंतव्य स्थान नहीं था अथवा उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव यरूशलेम नहीं था, बल्कि यरूशलेम एक नई शुरुआत की जगह थी। यरूशलेम से ही वह स्वर्ग उठ जाएंगे, यरूशलेम में ही एक कलीसिया का जन्म होगा, यरूशलेम से ही यीशु चेलों को मिशन में भेजेंगे, दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु का समाचार सुनाने के लिए भेजेंगे और इसी यरूशलेम में हम सभी यानी कलीसिया का जन्म हुआ, एक नई इसराइल की जनता बनी। आज के तीनों पाठों को अथवा चारों पाठों को, दो सुसमाचार जिसे हमने जुलूस के पहले सुना संत मार्कुस के अनुसार और आज इसायास नबी के ग्रंथ से 50वां अध्याय, फिलिपियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी से 2रा अध्याय और अभी लंबे चौड़े सुसमाचार को हमने सुना यीशु के दुख भोग की चर्चा। इन तीनों में हम लोग तीन प्रकार की यात्रा को पाते हैं, तीन यात्राएं हैं। पहली यात्रा है यरूशलेम की ओर, दूसरी यात्रा है कलवरी अथवा गोलगोथा की ओर और तीसरी यात्रा है स्वर्ग की ओर। पहली यात्रा जो यरूशलेम की ओर है, जिसकी व्यवस्था, जिसका प्रबंध स्वयं प्रभु यीशु ने किया था, जैसे मैंने बताया चेलों को उसने पूर्व निर्धारित जगह में बछड़ा को लाने के लिए भेजा और चेलों ने वैसा ही किया, लेकिन इस यात्रा की तैयारी में दो विरोधाभास बातें प्रकट होती हैं। एक, यीशु ने गधे के बच्चे को लाने के लिए कहा, किसी घोड़े को लाने के लिए नहीं कहा।
जबकि जो जनता बल्कि चेले भी आशे में थे, उनका विश्वास था कि अब यीशु की अगुवाई में ही उन्हें रोमियों की गुलामी से छुटकारा मिलेगी, वे पुनः अपना राज्य स्थापित कर सकेंगे, यीशु उनका नया राजा होगा। सब कुछ बिल्कुल राजनैतिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका सोचना था कि यीशु ही एक नया दाऊद होंगे, नया राजा होंगे, और ये उनकी नई प्रजा होंगे, उनका अपना राज्य होगा, अपना आधिपत्य होगा। बिल्कुल पॉलिटिकल, बिल्कुल राजनैतिक आशा, राजनैतिक दृष्टिकोण। उसके विपरीत यीशु ने एक पराक्रमी, एक विजयी राजा की तरह घोड़े पर सवारी नहीं, लेकिन एक गधे के बच्चे पर सवार होना पसंद किया। एक नम्रता का चिन्ह, बिल्कुल विरोधाभास चिन्ह कि यीशु राजनैतिक पराक्रमी नहीं थे, राजनैतिक दृष्टिकोण से राज स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, आए थे शांति का राज्य स्थापित करने के लिए। और शांति के लिए नम्रता आवश्यक गुण है, और यीशु में यह गुण कूट कूट कर भरा था। और ये गधे की सवारी, गधे के बछड़े पर सवारी उसी नम्रता का एक प्रतीक था। लोग तो होसन्ना होसन्ना चिल्लाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन होसन्ना का माने होता है हम पर दया कीजिए, कृपा करके हम पर दया कीजिए, ये होसन्ना का माने है। यानी हम पर दया कीजिए और हमें एक नया राज्य दीजिए, एक नया शासन दीजिए। यीशु दया करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत, दूसरे तरीके से। तो ये पहली यात्रा थी। दूसरी यात्रा कलवारी की ओर, इसकी तैयारी भी यीशु ने ही की है, जैसे आज के लंबे सुसमाचार में हमने सुना। उसने चेलों को पहले से बता दिया है कि किस घर में उनकी अंतिम बियारी होने वाली है, सब पहले से तय था। चेलों को उसने केवल बताया, वहाँ जाओ, फलाना के पास जाओ, और वहाँ पर सब कुछ तैयार मिलेगा। तो इस यात्रा के लिए भी यीशु की ही पहल, यीशु ही पहले से तैयार करके रखे हुए थे। इस यात्रा में, और छोटी छोटी यात्राएं हैं, इस दूसरी यात्रा में गेत्समानी बारी की भी यात्रा है। महापुरोहित और अन्य समाज के धर्म धार्मिक गुरुओं की जो सभा है वहाँ की यात्रा है, और पिलातुस के दरबार में वहाँ भी यात्रा है। तो इस दूसरी यात्रा में गेत्समानी बारी जाना, महासभा में हाजिर होना, पिलातुस के सामने हाजिर होना, ये भी इस दूसरी यात्रा के छोटे छोटे पड़ाव हैं। लेकिन इस यात्रा में होता क्या है, जिन चेलों ने अन्य लोगों के साथ यरूशलेम में धूमधाम यीशु का स्वागत करने के लिए गधे पर कपड़े बिछा दिए थे, अब वे चेले गायब हो गए, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। एक तो उनको पकड़वा देता है, चुंबन दे करके उसकी पहचान पकड़ने वालों के लिए दे देता है कि जिसके गाल पर मैं चुंबन दूंगा वही है, उसे ही पकड़ना। लेकिन था तो यीशु का चेला, और एक था जिसने इनकार कर दिया कि वह यीशु को जानता था। तीन
3 बार उसने अस्वीकार कर दिया और मुर्गे ने बांग दी। भले ही वह पछताया लेकिन उसने यीशु को ठुकराया। और जिन लोगों ने होसाना होसाना चिल्ला करके यीशु का स्वागत किया था कुछ समय पहले, अब वे हताश हो गए, निराश हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यीशु क्या करना चाहते हैं। हमारी समझ के परे है, हमारी आशा के विपरीत वह करते हैं। इसलिए उस निराशा में उसने इन भीड़ के लोगों ने चिल्लाया, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। जब पिलातुस ने कहा कि बराबस और यीशु में किसको छोड़ दूं, इस अवसर पर तो एक कैदी को छोड़ने का रिवाज है, उन्होंने यीशु के बदले बराबस की रिहाई की मांग की थी। और ये जो धर्म गुरु हैं, महापुरोहित हैं और अन्य फरीसी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञानी हैं, ये खुश होते हैं कि अंततः यीशु को अब हम खत्म कर देंगे, यीशु का सर्वनाश कर सकेंगे। इसकी खुशी है उनको। इस यात्रा में यह सब हो रहा है। और पिलातुस, वह भी जानते हुए कि ये महापुरोहित और फरीसी ईर्ष्या के कारण यीशु पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, वह जान सका। पिलातुस इतना जानने के बावजूद अपना हाथ धो लिया, मानो उसका कसूर उस पर ना हो, वह कसूरवार ना हो। उसको तो पड़ी थी कि यहाँ किसी प्रकार अशांति ना हो, दंगा फसाद ना हो, इसीलिए उनकी मांग को ही वह पूरी कर देता है। सच्चाई के विपरीत वह झूठा न्याय वहाँ देता है। यानी इस दूसरी यात्रा में हम धोखेधाड़ी को देखते हैं, निराशा देखते हैं, इसमें कपट को देखते हैं, झूठ को देखते हैं, और इसमें जो चेले थे उनका साथ भी चला जाता है, यीशु बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। लेकिन इसी दूसरी यात्रा में 2 सांत्वना के चिन्ह भी मिलते हैं। एक बिना नाम वाली महिला बहुत कीमती इत्र से यीशु के पांव धोती है, पोंछती है, इत्र लगाती है, बहुत कीमती इत्र, बिना नाम वाली। और बिना नाम वाला एक सैनिक अंत में कहता है, जब यीशु मर गए क्रूस पर, सचमुच यह ईश्वर का बेटा था, सचमुच यह ईश्वर का बेटा था। अनजान व्यक्ति, बिना नाम वाली महिला यीशु में एक ऐसे महान व्यक्ति को परख पाती है, पहचान पाती है। एक बिना नाम वाला सैनिक उसे स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है कि वह सचमुच ईश्वर के बेटे थे। अतः इस यात्रा में, दूसरी यात्रा में, ईर्ष्या, धृष्टता, निष्ठुरता, हिंसा, घृणा, बदनाम, ये सब बातें हैं। लेकिन ये 2 अनजान व्यक्ति यीशु की सच्चाई को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं। तीसरी यात्रा है स्वर्ग की यात्रा, और इसका जिक्र आज के दूसरे पाठ में हम पाते हैं। संत पौलुस बताते हैं कि यीशु ने नम्रता को धारण किया, हालांकि वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी का हकदार थे, उन्होंने इस हक को नहीं माना, नहीं मांगा, दाबी नहीं किया, बल्कि अपने को बहुत ही छोटा बनाया।
नम्र बनाया और उसकी विनम्रता का फल था कि ईश्वर ने उसे अंततः महान बना दिया, अपनी दाहिनी ओर उसे बैठने के लिए दिया और सारी सृष्टि पर शासन का भार यीशु को दे दिया। हम लोग आज के इस रविवार के साथ में दुख भोग के रविवार के साथ में, आज का रविवार खजूर रविवार भी है, दुख भोग का रविवार भी है, प्रवेश करते हैं पुण्य सप्ताह में। हमारे विश्वास के केंद्र बिंदु में हम प्रवेश करते हैं। अगर यीशु मर करके जी नहीं उठे हुए होते तो हमारा विश्वास बेकार होता। हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु, हमारे विश्वास की असल जड़ इसी सच्चाई में है कि यीशु जो मर गए पुनः जी उठे। तो वही जी उठे यीशु पिता ईश्वर की योजना को पूरी करते हुए ना केवल पाप और मृत्यु पर विजय पाते हैं, लेकिन हम सब के लिए एक नए जीवन का प्रमाण बनते हैं कि हम नए जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। हमें उस नए जीवन का हकदार बनाने के लिए यीशु उत्सुक हैं। तो इस पुण्य सप्ताह में हमें आवश्यकता है कि हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन के व्यवहार को, अपने सोच को थोड़ा टटोलें कि हम चेलों की तरह तो नहीं हैं जो आयन मौके पर यीशु को अकेले छोड़ देते हैं, उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं और उसे त्याग करके चल देते हैं। हम अपने अपने जीवन में यीशु की शिक्षा को जब हम त्याग देते हैं, जब मौका आता है उसकी शिक्षा के अनुसार व्यवहार करने का और हम उसके अनुकूल नहीं कर पाते हैं, हम चेलों की तरह यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु के साथ में बेईमानी करते हैं, अथवा उन लोगों की तरह जो आज यीशु को होसन्ना कह करके स्वागत करते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद उसे क्रूस दीजिए चिल्लाते हैं। क्या हम भी कभी कभी लोगों के दबाव में आकर के यीशु की शिक्षा का पालन करना भूल जाते हैं? हमारा पाप कभी कभी इतना ढिठाई वाला पाप होता है, यानी हम उसी दुर्व्यवहार में बने रहें, उस पाप के प्रति हम आदि हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम लोग यीशु को नाराज करते हैं, यीशु का साथ नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इस पुण्य सप्ताह में जरूरी है कि हम अच्छे ढंग से पाप स्वीकार की तैयारी करें, अच्छा पाप स्वीकार करें, जिससे कि हम प्रभु के साथ सचमुच में आत्मिक रूप में जी उठें, एक नए जीवन में प्रवेश करें, पास्का यानी आनंद के भागी बन सकें। हम आज इस पुण्य सप्ताह में तो थोड़ा दुख का वातावरण में रहेंगे, धर्म विधियाँ पाठ सब कुछ हम लोगों को दुख शोक का वातावरण देंगे, लेकिन आने वाले सप्ताह में हम लोग आलेलुया गाएंगे, हम आनंद मनाने वाले लोग होंगे, हम लोग रोने वाले नहीं, दुखी होने वाले नहीं, लेकिन आनंदित लोग होंगे। उस आनंद की जड़ हमारे अंदर में, हमारे हृदय में होना चाहिए। हम उस जड़ को आज शुद्ध करने की कोशिश करें। आइए इस पुण्य सप्ताह में हम अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प करते हुए प्रवेश करें, यीशु के साथ अपने पाप में जीवन के लिए मर करके हम नए जीवन के लिए, एक शुद्ध जीवन के लिए जी उठें।